ये सब इसने किया है महाराज, इस तक्षक नाग ने। तक्षक नाग ने? हाँ महाराज। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मैं प्रतिशोध में अंधा हो गया था। तक्षक, तू क्षमा के योग्य नहीं है। फिर भी यदि क्षमा मांगना चाहता है तो उस अंगरक्षक से मांग जिसे हमने तेरे कारण मृत्युदंड दे दिया था, उसकी अंधी मां से मांग जिसके घर का सहारा छिन जाता। सम्राट, हमें नामदेव और उसकी मां को ढूंढने जाना होगा। नहीं महाराज, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, वो यहां आते ही होंगे। आपने उन्हें संदेश? वो आ गए महाराज। मैं जान गया तुम निर्मल हो, निर्दोष हो। सारा कसूर इस तक्षक नाग का है। मुझे क्षमा कर दो अंगरक्षक, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। तक्षक, यदि सच में तुम्हारे मन में यह भाव जागा है तो यह अपराश्चित की निशानी है। तुम नागराज के साथ पुनः नागलोक वापस लौट जाओ और अपने कर्मों का प्राश्चित करो। धन्यवाद नागराज, हमारी सहायता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सम्राट, नहीं, ये तो हमारा कर्तव्य है। चलो। नामदेव, एक प्रार्थना है, यदि स्वीकार कर लोगे तो समझूंगा तुमने मुझे प्राश्चित करने का अवसर दे दिया। आप महाराज आदेश कीजिए। नामदेव, विश्वास पात्रता की कोई कीमत, कोई इनाम नहीं होता, परंतु उपहार स्वरूप हम चाहते हैं तुम अपनी मां के साथ हमारे पास रहो। जो आज्ञा महाराज। सम्राट विक्रमादित्य, मैं आपका हृदय से आभारी हूं। आपने मेरी पत्नी के साथ साथ मुझे भी अन्याय करने से बचा लिया। क्या बात है महारानी राजेश्वरी, इस खुशी के अवसर पे आपकी आंखों में आंसू क्यों? हमारा अनुष्ठान अधूरा ही रह गया, अब हम निसंतान ही रह जाएंगे। अब हमें इस राज्य को छोड़कर जाना होगा। चौंकी है मत राजन, मुझे पशु पक्षियों की। हाँ ठीक है, भाषाएं भी आती है। मैं इनसे बात कर सकता हूँ। वाह श्रीमान बेताल, वाह, आपकी महिमा देखकर दिन प्रतिदिन मेरे हृदय में आपका स्थान और ऊंचा होता जा रहा है। आप महान हैं। वो तो मैं हूँ ही, लेकिन राजन क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि मैंने इस कबूतर से क्या कहा और फिर इसने मुझसे ऐसा क्या कह दिया कि मुझे इतनी जोर से हंसी आ गई? अवश्य जानना चाहूंगा। तो सुनिए, मैंने इस कबूतर से कहा कि कबूतर जरा मुझे बताओ कि क्या मेरे मित्र के सिंहासन पर राजा भोज बैठने योग्य है कि नहीं? तो पता है इसने क्या कहा? क्या कहा? इसने मुझसे कहा कि श्रीमान बेताल, ये तो आप वैसा ही प्रश्न कर रहे हैं कि जैसे आप पूछ रहे हो कि क्या एक छोटी सी डिबिया में बड़ा सा हाथी फैल कर सो सकता है या नहीं। देखा राजन, मतलब इस कबूतर ने भी कह दिया कि आप मेरे मित्र के सिंहासन के लायक नहीं। श्रीमान बेताल, मैं आगे की कथा सुनना चाहूंगा। मुझे पता था आप यही कहेंगे, हट करेंगे, मानेंगे नहीं। सुनिए आगे की कथा। हमें क्षमा करना कालदेव, यदि संसार के हित से बंधे नहीं होते तो आपके साथ ऐसा कभी नहीं करते। अब आप मुक्त हो,
आप अपने लोक वापस जा सकते हैं कालदेव। चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य, आपने अपना परोपकार करके अपनी समस्या का समाधान कर लिया, किंतु हमारी समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ। हमारी समस्या वैसी की वैसी है। क्या है आपकी समस्या कालदेव? हमारी समस्या यह है कि हम यहाँ से खाली हाथ बिना किसी आत्मा को अपने साथ लिए यहाँ से लौट नहीं सकते। आप तो न्यायप्रिय सम्राट विक्रमादित्य हैं ना, अब आप ही हमारा न्याय कीजिए विधि के विधान के अनुसार। किसका जीवन हम साथ लेकर जाएं? कौन है जो अपनी इच्छा से अपने प्राण त्यागेगा और विधि के विधान को पूरा करेगा? हमें किसी का जीवन दीजिए विक्रमादित्य, हमारा आना सार्थक कीजिए। काल मेरे मित्र के सामने खड़ा था और ऐसे अड़ा था क्योंकि चुनौती शक्ति की नहीं थी बल्कि न्याय की थी कि काल के साथ न्याय हो तो कैसे हो, और बिना न्याय हुए वो जाने को तैयार ही नहीं था। और यह अटूट सत्य है, था और रहेगा कि काल एक बार आ गया तो बिना प्राण लिए वापस नहीं लौट सकता। सम्राट, क्या सोचा आपने? क्या है मेरा न्याय? शीघ्र बताओ, क्योंकि जब तक आप न्याय नहीं करेंगे मैं यहां से नहीं जाऊंगा, और जब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगा विधि की व्यवस्था और समय का चक्कर रुका रहेगा, और इस व्यवस्था को बाधित करने के उत्तरदायी होंगे आप। हमारे कारण ना तो विधि की व्यवस्था में बाधा आएगी और ना ही समय का चक्र रुकेगा। तो शीघ्र बताइए। आपको केवल एक ही आत्मा चाहिए ना, फिर वो चाहे किसी की भी हो। भेद केवल देह में होता है, आत्मा तो सबकी एक जैसी होती है। आप यमलोक चलने की तैयारी कीजिए कालदेव। किंतु वो जीव कहाँ है जिसकी आत्मा मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा? वो जीव आपके सामने खड़ा है कालदेव। खड़ा है क्या आप? हाँ कालदेव, आप हमारे शरीर से हमारी आत्मा को निकाल दीजिए। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता सम्राट, मैं आपके प्राण नहीं ले सकता सम्राट। किंतु क्यों? आपको तो केवल एक आत्मा ही चाहिए ना। आपके प्राण लेने का अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी लोक का नष्ट, हाहाकार अंधकार। आपकी पत्नी, आपकी प्रजा, इन सब का क्या होगा? सब टूट जाएगा, सब बिखर जाएगा। कुछ नहीं टूटेगा और कुछ नहीं बिखरेगा कालदेव। समय के लेप ने बड़े से बड़े घाव को भर दिया है, फिर ये शरीर भी तो मिट्टी का ही बना है। इस शरीर को भी एक न एक दिन मिट्टी में ही तो मिल जाना है, तो फिर ये आज ही क्यों नहीं कालदेव? ठीक है, मुझे न्यायप्रिय परोपकारी चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य का न्याय स्वीकार है। सम्राट, मुझे आपकी एक और अनुमति चाहिए। आदेश दीजिए। सम्राट, मैं जानता हूं कि आप सह शरीर मेरे साथ चल सकते हैं, किंतु काल किसी को उसके शरीर के साथ नहीं ले जा सकता। काल की विधि में ऐसी व्यवस्था नहीं है। मुझे अनुमति दीजिए कि मैं आपकी देह से आपकी आत्मा को मुक्त कर सकूं। अनुमति है आप? सम्राट विक्रमादित्य, धरती लोक की आपकी यात्रा समाप्त हुई।
समझ में नहीं आ रहा है, काल अभी तक आया क्यों नहीं? यमराज के चरणों में काल का प्रणाम। कहां थे काल तुम, इतना विलंब क्यों लग गया आने में? जबकि तुम ध्वनि की गति से जाते हो और बिजली की गति से आते हो। महाराज, पृथ्वी लोक में एक सत्य पुरुष ने मुझे रोक लिया था, उसने मुझे बंदी बना लिया। परिणाम स्वरूप जिसको मुझे लाना था उसके स्थान पर किसी और को लाना पड़ा। किसे लेकर आए हो? चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य को लेकर आए हो? क्यों क्यों क्यों? महाराज, इन्होंने ही तो मुझे रोका था और समय पर उस जीव के पास पहुंचने नहीं दिया, और वो भी उसके परोपकार के लिए। इन्होंने मुझे रोककर जीव की रक्षा की है, ऐसी परिस्थिति में मैं क्या करता महाराज? तो ले आया इन्हें। यमराज, ये क्या अनर्थ किया है काल ने? चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य को अकाल मृत्यु दी है। नहीं इंद्रदेव, इसमें कालदेव की कोई गलती नहीं है। हमने अपनी स्वेच्छा से अपने प्राण त्याग किए हैं। सम्राट, आपकी इच्छा आपकी मृत्यु पर नहीं है, आपकी इच्छा केवल आपके जीवन पर है। और अभी आपको जीना है, संसार को आपकी आवश्यकता है, इसलिए आप अपनी स्वेच्छा से मृत्यु का वरण नहीं कर सकते। यमराज, सम्राट के प्राण लौटा दीजिए। किंतु अब यह संभव नहीं है इंद्रदेव। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि जिस नामदेव की मृत्यु निश्चित थी, वह मृत्यु के बाद महाराज रुद्र प्रताप के यहां पुत्र रूप में जन्म लेने वाला था, किंतु सम्राट ने उसकी मृत्यु को रोककर जीवन चक्र के उस मार्ग को बंद कर दिया। यदि अब मैं सम्राट विक्रमादित्य को मुक्त करता हूं तो जीवन मरण का सारा विधान असंतुलित हो जाएगा। उस भूल, इस असंतुलन को सुधारने का कोई उपाय? एक उपाय है। वह क्या? यदि सम्राट विक्रमादित्य राजा रुद्र प्रताप के जीवन में अपने कर्म पुण्य से संतान की व्यवस्था कर दें। यदि सम्राट ने ऐसा किया तो आप इन्हें इनके प्राण लौटा देंगे? अवश्य। ठीक है, तो लौटा दीजिए इन्हें इनके प्राण। बस केवल एक सप्ताह के लिए लौटाऊंगा इनका जीवन। उसी एक सप्ताह में इन्हें राजा रुद्र प्रताप के यहां संतान की व्यवस्था करनी होगी। यमराज, सम्राट विक्रमादित्य बहुत ही प्रतापी सम्राट है, वह अवश्य सफल होंगे। किंतु सफल इन्हें निर्धारित समय के भीतर होना होगा इंद्रदेव। यदि एक सप्ताह के भीतर संतान की व्यवस्था कर देंगे तो जीवन और मरण का चक्र तो बचेगा ही, साथ ही इनका जीवन भी समाप्त होने से बच जाएगा, अन्यथा इनकी मृत्यु को कोई टाल नहीं पाएगा। कुछ ऐसा उपाय कीजिए कि जन्म और मृत्यु और दोनों की ही व्यवस्था खंडित ना हो। अब
अब इस कार्य में विधाता ब्रह्मदेव ही हमारी सहायता कर सकते हैं। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। हे परमपिता ब्रह्मदेव, हमें दर्शन दीजिए। हम गंभीर समस्या के दलदल में धंसे हुए हैं, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हमारे सम्मुख उपस्थित होइए। हे परम प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य, नेत्र खोलिए, कहिए क्या समस्या है, हम किस प्रकार आपकी सहायता कर सकते हैं। ब्रह्मदेव, हम जिस संकट में घिरे हुए हैं, उस संकट से उभरने का मार्ग बताइए। हम तो अपनी जान देकर भी उभर नहीं पाए। आप ही एक सहारा है विधाता। बताइए, बताइए क्या संकट, संकट है नामदेव नामक व्यक्ति की जीवन की रक्षा करके महाराज रुद्र प्रताप और महारानी रागेश्वरी की संतान प्राप्ति का मार्ग बंद कर देना। हम उनके संतान प्राप्ति का मार्ग जानना चाहते हैं ब्रह्मदेव। मार्ग तो है सम्राट, किंतु सरल नहीं है, इसका पथिक अकेला नहीं होता। आप मार्ग बताइए ब्रह्मदेव। मार्ग को सरल बनाना व्यक्ति के हाथों में होता है। वो है संतान दान का मार्ग। यदि कोई अपने भाग्य की संतान उस दंपत्ति को दान कर दे, तो उनके यहाँ संतान का जन्म हो सके। किंतु कोई और क्यों? हम अपनी संतान दान कर देंगे उन्हें। आप हमारी संतान उन्हें दे दीजिए ब्रह्मदेव। इसके लिए आपको अपनी पत्नी से सहमति लेनी होगी। हम अपनी पत्नी को जानते हैं ब्रह्मदेव, वो मना नहीं करेगी। फिर भी वो एक स्त्री है, और स्त्री को संतान का मोह अधिक होता है, हम उन्हें मना लेंगे ब्रह्मदेव। और ये भी जान लीजिए कि आपके भाग्य में केवल एक ही संतान और उसे दान कर देने के बाद ना तो आपकी पत्नी मातृत्व सुख को भोग सकेंगी और ना ही आप अपनी संतान का मुख देख सकते। अभी निर्णय आपको करना है। हमने निर्णय ले लिया है ब्रह्मदेव। यदि हमारे परोपकार से किसी का जीवन सुखमय होता है तो हमें वो परोपकार कर देना चाहिए। आप हमारे भाग्य की संतान उन्हें दे दीजिए ब्रह्मदेव। तथास्तु। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.